हम सभी का सपना होता है कि कभी न कभी हम अमेरिका जरूर जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, अमेरिका में अगर कोई भारतीय बसना यानी कि अमेरिकी नागरिक बनना चाहता है तो उसे कितना पापड़ बेलना पड़ेगा? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलो हम इस वीडियो में बताते हैं। अमेरिका में बसना मतलब कि भारत में 5 करोड़ रुपए अपने दम पर इकट्ठा करने के बराबर होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंडियन जुगाड़ में सबसे आगे हैं, वैसे ही कुछ भारतीय इनलीगल तरीके से अमेरिका जाना शुरू भी कर चुके हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, कैसे? तो बात ये है, जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका किसी को भी जल्दी वीजा नहीं देता। उनमें से भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित रह चुके हैं। अब ये बात अलग थी कि इनका मुद्दा कुछ और था, लेकिन इसका मेन कारण यह है कि अमेरिका हाई प्रोफाइल होने के चलते बहुत एक्सपेंसिव मतलब कि खर्चीली जगह है। क्योंकि अगर हम अमेरिका में एक कॉफ़ी भी पिए तो वो $2 यानी कि 140 इंडियन रुपीज के बराबर होता है। अगर हम अमेरिका में 2 समोसे खाएं तो वो $3.50 यानी कि 240 रुपए का होगा लगभग, जो आपने या अपने देश में आप 10 रुपए में खाते हैं समोसा, वही वहां पर 240 रुपए में मिलता है। हद तो तब होती है जब एक बोतल पानी 130 रुपए में मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका में क्या समोसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, मिलते हैं। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग भारतीय हैं जिनमें से कई लीगल तरीके से गए हैं, लेकिन कुछ लोग इनलीगल तरीके से भी गए हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इनलीगल तरीके से वो भी कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका चाहे वीजा दे या ना दे, लेकिन गलत तरीके से जाने वाले लोग जुगाड़ लगाए, जैसा कि कोस्टा रिका या ग्वाटेमाला या फिर एल सल्वाडोर। अब जो बंदे इलीगल तरीके से अमेरिका जाना चाहते थे, वो लोग यहाँ के जंगलों से या फिर ट्रक के कंटेनर के सहारे मैक्सिको बॉर्डर पहुँचते थे, जहाँ पर अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है। वहाँ से उन बंदों को अमेरिका में कूदना पड़ता है, जो बिल्कुल गैर कानूनी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने के बाद वो लोग जो कूदे थे वहाँ का नागरिक कैसे बन गए? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति कूदकर अमेरिका में प्रवेश करता है, उसे खुद पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कराना पड़ता है। क्योंकि अमेरिका में काम करने के लिए या फिर किराए पर घर लेने के लिए हर व्यक्ति के पास पर्सनल सिक्योरिटी नंबर होता है, जो कूदे हुए व्यक्ति के पास नहीं होता। कूदे हुए व्यक्ति को 15 दिन की जेल होती है, जिसमें पूछताछ होती है कि कहीं वो आतंकवादी तो नहीं। जब सब ठीक होता है तब उस व्यक्ति की FIR कॉपी बनती है, तब जाकर उस व्यक्ति को पर्सनल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, तब वो वहां पर काम कर सकता है और केस 3 साल तक चलता है। वारे इंडियन। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि डोंकी वीजा क्या सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी है और आप अपने घर से 5 साल दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोंकी वीजा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।